दोस्तों हम आज की इस वीडियो में आपको कोई अपडेट या फिर कोई फैक्ट वीडियोस नहीं बताएंगे। दोस्तों हम आज की इस वीडियो में कुछ अच्छा चीज बताऊंगा जो कि दोस्तों बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स के मन में यह डाउट रहता है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपने चैनल पर नया चैनल क्रिएट करते हैं, जब भी अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ स्किल सीखने को मिलता है, यानी कि कुछ ना कुछ स्किल या फिर कोई अंदर से, इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि हम कोई यूट्यूब पर वीडियोज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी टॉपिक पर वीडियोज के लिए हम लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर। दोस्तों ये चीज बहुत क्लियर रहता है कि हम किस क्रिएटर का वीडियो देखें, यानी कि दोस्तों हम यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक को सर्च करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हाउ टू क्रिएट योर चैनल सर्च करेंगे, तो जैसे कि हाउ टू क्रिएट योर चैनल सर्च करेंगे तो आपको जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पॉपुलर जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जूनू का टेक, टेक्निकल योगी या फिर मनोज दे, ये जो पॉपुलर चैनल है उन पर आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, यानी उनका जो पहले आपकी वीडियो मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वो फेमस हो चुके हैं, उनकी वीडियोस जो है रैंक कर गई है, फिर वो उनकी वीडियोस हर एक वीडियोस वायरल चली गई है, इसलिए आपको वो पहले देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो जो चीज आप छोटे यूट्यूबर्स से सीख पाएंगे, जो छोटे स्किल्स बताएंगे, छोटे यूट्यूबर्स स्किल्स जो बताएंगे वो आपको बड़े क्रिएटर नहीं बता पाते हैं, यही चीज आपको क्लियर करना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि जो बड़े यूट्यूबर बता देंगे या फिर छोटे क्रिएटर वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये दोस्तों नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कभी कभी ध्यान दिए होंगे कि जो बड़े क्रिएटर किसी बात को अगर अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग बड़े क्रिएटर का ही विश्वास करते हैं, एक बार हम वीडियोस को सर्च करते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से बताते हैं, ये चीज आपको क्लियर करना है। क्योंकि दोस्तों हमको यूट्यूब पर लाइफ टाइम तक काम करना है, अच्छी तरीके से काम करना है, तो हमें किसी भी छोटे या फिर बड़े क्रिएटर को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हर रोज हमको यूट्यूब पर कुछ नया तरीके से वीडियोज बनाना पड़ता है या फिर नया स्किल्स सीखना पड़ता है, तो दोस्तों उसके लिए आपको कभी कंपेयर नहीं करना है छोटे या फिर बड़े क्रिएटर में। क्योंकि दोस्तों अगर आप बड़े क्रिएटर का वीडियो देखेंगे या फिर वही छोटे क्रिएटर का वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों में कंपेयर देखने को मिलेगा। ये चीज तो आपको क्लियर है कि छोटे क्रिएटर अच्छे तरीके से फेमस नहीं होते हैं या फिर छोटे क्रिएटर वीडियो अच्छे नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छोटे को भी मत रखिए मन में कि हम बड़े क्रिएटर का देखेंगे वीडियोस तो उसमें हमको अच्छा स्किल्स या फिर अच्छा आइडियाज मिलेंगे। दोस्तों छोटे क्रिएटर का भी कुछ वीडियोस देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपने कभी ये चीज क्लियर किया है या आपने कभी देखा है कि जो छोटे क्रिएटर बता देंगे वो बड़े क्रिएटर नहीं बता पाते हैं? दोस्तों कमेंट करिएगा और कमेंट में अपना राय करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।